में अपने गुरुपाद पद विष्णुपाद अष्टोत्तर शिशु भक्ति उदान सिद्धर गोसाई महाराज जी के श्री अभय चंद अरविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत में त्रिलाप विष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शिशु भक्ति उदान श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि पुष्पांजलि अर्पण करती हूँ। उनके अहित की वांछा की कृपा करते मेरे शिक्षा गुरु पूज्य पाद बलराम प्रभु के चरणों में रहते हो दंड प्रणाम और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक समय की बात है कि एक राजा थे, राजा के दरबार में एक बहुत बड़े संत पहुंचे। तो वो गेट पे गए तो गेट पे द्वारपाल खड़े थे, तो वहां जाके उनसे बोले कि जाओ अपने राजा को बोलो कि द्वार पे संत आए हैं। तो वो अंदर गए, उन्होंने राजा को बोला कि राजा द्वार पे संत आए हैं। तो राजा ने सोचा संत आए हैं तो उन्हें भिक्षा ही चाहिए होगी, तो उन्होंने क्या किया, एक लिफाफे में थोड़ी सी भिक्षा रख के द्वारपाल के हाथ भेज दी के जाओ उन्हें जाके ये कह दो कि राजा ने दक्षिणा भेजी है और राजा भी बहुत व्यस्त हैं, आपसे वो बाद में मिलेंगे। तो बाहर आके उन्होंने ऐसे ही बोला कि आपके लिए दक्षिणा भेजी है राजा ने और अभी वो बहुत किसी कारण में बहुत व्यस्त हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। वो बोला, वो संत बोले कि नहीं नहीं मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मैं भिक्षा लेने यहाँ पे नहीं आया हूँ, आप उनसे बोलो कि मुझे उन्हीं से ही काम है। उन्होंने जाके बोला कि महाराज उनको भिक्षा नहीं चाहिए, उन्हें आपसे कुछ मिलना है मतलब। तो राजा को लगा कि हो सकता है शायद भिक्षा कम रह गई, उन्होंने उस लिफाफे में थोड़ी और भिक्षा डाल दी और बोले कि जाओ ये जाके उनको दे देना और कह देना महाराज नहीं मिल सकते बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने ऐसे ही आके बोला कि महाराज इसमें भिक्षा बढ़ा दी गई है, आप इसे स्वीकार करें और राजा मतलब राजा आपसे नहीं मिल सकते। अब उन्होंने जो वो भिक्षा थी वो उन्हें दे दी कि जाओ अपने राजा को ही दे देना। तो वो जो संत थे वो विदेशी थे, तो वो घूमते घूमते पूछते पूछते उस राजा के घर पहुंच गए। तो जब उस राजा के घर पहुंच गए तो रानी की भी गेट पे दासियां खड़ी थी, तो वो उनसे बोले कि जाओ अपनी रानी को बोलो कि द्वार पे संत आए हैं। अब एक बात आपको माननी पड़ेगी, एक बार का जो जेंट्स लोग हैं वो संत को नकार सकते हैं, लेकिन अगर लेडीज को पता चला कि गेट पे संत आया सारे काम छोड़ के वहीं पे आ जाएगी कि संत आए हैं। ऐसा काम होता है। तो वो आए तो वो बोले कि आइए महाराज बताइए क्या बात है। बोले कि मैं तो गया था राजा से मिलने लेकिन वो मुझसे नहीं मिले, वो व्यस्त थे इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। बोले नहीं नहीं महाराज बताइए अब क्या बात है। तो बोले कि मैं तो ये बताने गया था कि राजा की 7 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाएगी। अब इतना कहते तो रानी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब वो संत तो कहकर चले गए, अब वो उसने भी संदेश भिजवाया महल में कि जाओ राजा को बुला के लाओ कि रानी ने तुरंत घर बुलाया है। अब ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, अगर होम मिनिस्टर ने बुलाया है तो राजा भी सब काम छोड़ के आ जाएंगे क्योंकि वो उनकी पत्नी थी। अब वो उन्होंने बुलाया तो वो तुरंत आए थे, क्या बात है रानी आज ऐसे आपने अचानक बुलाया। बोले कि संत आए थे कोई? बोले हाँ आए थे। बोले रानी मैंने उन्हें 2 बार दक्षिणा देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं ली, बताओ मैं क्या करूं। बोला कम से कम उनसे मिल तो लेते कि वो कहना क्या चाहते थे। वो बोले हुआ क्या है? बोला भी ये कह के गए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब इतना कहते ही तो अभी 7 दिन के अंदर अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसने भी अपनी पूरी टीम लगा दी राजा ने कि जाओ उन संत को ढूंढ के लाओ। खैर वो संत मिल गए। अब वो बोले महाराज तो उनके पैरों में गिर पड़े, मतलब उनसे क्षमा मांगने लगे कि महाराज मुझे क्षमा कर दो मैं आपको समय नहीं दे पाया बताइए। बोले बात तो आपको रानी ने बता दी होगी कि आपके 7 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाएगी, वो अब इसका कुछ हल कर सकते हो तो कर लो उपाय। तो बोले महाराज आप ही बता दो उपाय। बोला उपाय क्या है, मतलब कि वो बोला कि महाराज आप ही उपाय बता दो। तो बोलने लगे कि कि वो बोलने लगे वो उन्होंने बुलाया कि आपकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर। तो वो उनसे बोले कि महाराज अब इसका कोई उपाय बताओ। युगो तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैंने कर दी है, भाई तुमने इतना दान पुण्य किया है तो तुम स्वर्ग तो जाओगे, लेकिन एक बात है स्वर्ग में तुम्हें किसी भी चीज की असुविधा तो नहीं होगी लेकिन वहां मच्छर बहुत है। बोले महाराज मच्छर में तुम्हें बहुत परेशान हो जाऊंगा। बोले तुम्हारे लिए मैंने वहां मच्छरदानी की भी व्यवस्था किया है लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है,
बोले महाराज क्या हुआ? देखो उस मच्छरदानी में एक छोटा सा छेद है। बोले अच्छा फिर क्या करूं? उनका बस तुम्हें इतना सा काम करना है, जब तुम अपने साथ में जाओगे तो एक सुई और धागा लेते जाना। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, भला कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपने साथ में एक सुई और धागा भी लेके गया हो? तो वो कहने लगे राजा जब आप ये बात जानते हैं फिर भी द्वार पे कम से कम संत आए, कम से कम उससे मिल तो लो कि वो कहना क्या चाहता है। कह रहे कि आप सारी मतलब आप सारे दिन अपने पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हो, द्वार पे संत आया है वो आपको कुछ ना कुछ बताता ही जाता। अब ये कहते कह रहे महाराज क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। बोला फिर बोले कि अच्छा महाराज आप मेरी पत्नी को ये कह के गए हो मेरी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, तो क्या मेरी सच में मृत्यु हो जाएगी? वो तो संत तो कभी झूठ नहीं बोलते, तो क्या मैं सच में मर जाऊंगा? तो बोले कि जब भी मरोगे 7 दिन के अंदर ही मरोगे, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार 8वां दिन आने वाला नहीं है, जब भी मरोगे इन 7 दिन के अंदर ही मरोगे। मैं तो तुम्हें ये बात समझाने आया था कि जो ये हरिनाम का जप हरिनाम महामंत्र है ये बहुत बड़ा है और इसको जपते रहो, इसको जपते रहना चाहिए, क्योंकि इसको हमेशा हमें जपते रहना चाहिए और हरिनाम ही साथ में जाएगा। और हमारे हरिनाम तो साथ हरिनाम ही साथ में जाएगा कि हमारे हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर हम हरिनाम का जप करेंगे हमेशा, क्योंकि कलयुग में यही एक महामंत्र है जो हमें जीवन से मुक्त कर सकता है, इसलिए नारद जी ने कहा है हरर नाम हरर नाम हरर नाम एव केवलम कलोग नास्ते 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 गतिरन्य था, कि कलयुग में ये महामंत्र है जो हमें जीवन के बंधन से मुक्त कर सकता है और कोई भी विकल्प और कोई भी विकल्प उपाय नहीं है। इसलिए आप सभी हरिनाम का जप करें और एकादशी का व्रत करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरु कृष्ण कृपा सिंधु पतित नाम पावन गुरु वैष्णव हरी 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 वही रख दो तुम करती हो क्या छोटी को चाहिए आदमी हाँ जा उसको बाद में बोल इसको ऐसे पकड़ कर रखो ऐसे पकड़ो अज्ञान तिम अंधश तार मत हिलाओ पकड़ो पकड़ो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो हरे कृष्ण ये लो अज्ञान तिमांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु मिलयन्तेन तस्मै श्री गुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव ओम विष्णु अष्टादश श्री भक्तिवेदांत श्री सिद्ध महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा एवं आप सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। गुरुदेव ने एक कथा सुनाई थी, एक राजा और 4 रानी। बड़ी सुंदर कथा है। एक राजा की 4 रानियां थी। राजा का विवाह 4 रानियों से हुआ था, पर राजा क्या करते सिर्फ अपनी 3 रानियों का तो ध्यान रखा करते, पर जो चौथी रानी थी उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया करते। अब जो राजा की पहली रानी थी बड़ी सुंदरी, जो भी राजा से वो मांगती चाहे उन्हें कहीं से भी लाना हो वो उसे लाकर दिया करते थे। और जो अब राजा की दूसरी रानी थी मानो इतनी सुंदर थी जैसे स्वर्ग से अभी अप्सरा आई हो, और राजा उसे दिखा दिखा कर दूसरों को इतराया करते थे कि देखो मेरे पास कितनी सुंदर स्त्री है, देखो देखो जरा देखो कितनी सुंदर है। अब राजा की जो तीसरी रानी थी वो बड़ा मीठा मीठा बोला करती और राजा को अपने वश में रखा करती, पर जो चौथी रानी थी राजा कभी उसके पास जाया ही नहीं करते, ना उसका ध्यान रखा करते, कभी उससे नहीं पूछा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें कुछ चाहिए, कभी नहीं पूछा। अब समय गुजरता है तो एक दिन राजा की मृत्यु, राजा को पता चलता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो वो सोचते हैं अरे मेरी इन रानियों को क्या होगा, मैं तो इनसे इतना प्रेम करता हूँ और ये भी मुझसे इतना प्रेम करती है, चलो मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी मृत्यु आई है। अब राजा अपनी रानियों के पास जाता है तो पहली रानी के पास जाकर कहता है रानी तुम्हें पता है मेरी मृत्यु आई है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि तुम मेरे बिना तो जीवित रह ही नहीं पाओगी, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो।
कहती हो, अरे राजा तुम मूर्ख हो क्या? कौन किससे प्रेम करता है? इस संसार में तो अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो कहते हैं, तो अच्छा तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तो जो भी तुमने मांगा मैंने तुम्हें सब कुछ ला के दिया। कहा कि वो तुम्हारा कर्तव्य था जो तुमने पूरा किया, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। अब राजा बड़ा परेशान होता है, कहता है चलो कोई नहीं, दूसरी रानी तो मेरे साथ जरूर चलेंगी। अब वो दूसरी रानी के पास जाता है, कहता है रानी मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कहती है तुम मूर्ख तो नहीं हो गए, मैं भरी जवानी में तुम्हारे साथ मरने चलूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो अब वो कहती है बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कब तू मरे और मैं किसी और से शादी कर लूं। तो कहती है अच्छा। अब राजा बड़े परेशान होते हैं, अब अपनी तीसरी रानी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी मृत्यु होने वाली है। कहती है हाँ मैं चलूंगी आपके साथ, पर कहाँ, सिर्फ 5 कदम चलूंगी चौखट तक, उससे आगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो कहते हैं ठीक है। अब सोचते हैं अपनी चौथी रानी के साथ, सोचते हैं कि मैं उससे भी पूछ लूं एक बार, है तो मेरी रानी ही, मैंने उससे शादी करके लाई है। तो कहते हैं पर मैंने उसका कभी ध्यान नहीं रखा, फिर भी मैं उससे पूछ लेता हूँ एक बार। अब वो चौथी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी मृत्यु आई है। तो कहते हैं तुम्हें तने की भी शर्म नहीं आई मुझसे पूछते हुए कि मेरे साथ चलोगी? तुमने कभी मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो नहीं हो? पर कोई नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब राजा को बड़ा सुनकर आश्चर्य होता है कि मैंने जिन तीनों रानियों का जीवन भर पालन किया, उन्होंने जो मांगा उन्हें लाके दिया, पर आज मेरी मृत्यु आई है तो कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई। पर जो मेरी ये चौथी रानी है, इसने बिना कुछ सोचे समझे कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब इस कहानी में जो राजा है वो राजा हम है, और जो ये चार रानी है ना, हम सबकी इन चार रानियों से शादी होती है। अब जो राजा की पहली रानी थी वो कौन थी? बड़ी सुंदरी, और राजा से जो भी मांगा करती राजा उसको लाकर दिया करते थे। अब हमारी ये पहली पत्नी होती है हमारा शरीर, जो भी ये मांगता है ना हम इसे सब कुछ लाकर देते हैं। अब सर्दियों में इसको ठंड लगी तो इसे कपड़े लाकर देंगे, इसको भूख लगती है तो खाना खिलाते हैं, पर क्या ये हमारे साथ जाता है? नहीं जाता ये, बल्कि और जब मरते हैं ना तो चार आदमी कंधे पर ले जाके और बोझ ही मरते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाता। अब दूसरी रानी कौन सी थी जिसे राजा दूसरों को दिखा दिखा कर इतराया करता था? फिर वो क्या बोली, अरे मूर्ख मैं तो ये सोच रही हूँ कब तू मरे और मैं किसी और से शादी कर लूं। ये दूसरी रानी होती है पैसा, हम पूरे जीवन भर बस इस पैसे 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 के पीछे पड़े रहते हैं, पर क्या हमारे साथ ये जाता है? नहीं जाता, बल्कि ये सोचता है कब तू मरे और मैं किसी और से ब्याह कर लूं, मतलब मरने के बाद कोई और ही इस पैसे को हमारे ले लेता है। अब तीसरी रानी के पास गए थे तो उस रानी ने क्या बोला, हाँ चलूंगी तो, पर सिर्फ 5 कदम, ये हमारी संसार की पत्नियां रहती हैं, बड़ा मीठा मीठा बोलती हैं, अलग खाना लाके देती हैं, ये लो खाना खा लो। फिर कुछ समय बाद क्या कहती है, हाँ बाजार में एक सुंदर साड़ी आई है ले आऊं क्या? बस सारा जीवन ऐसे मीठा मीठा बोलकर काम निकालती रहती है, पर जाती तो ये भी हमारे साथ नहीं, सिर्फ 5 कदम पीछे तक जाती है चौखट तक और वहीं रुक जाती है। अब राजा ने चौथी पत्नी के पास गया, चौथी पत्नी कौन सी होती है? ये हरिनाम रूपी, हरिनाम जो हमारे गुरुदेव हमें धन देते हैं, ये पत्नी सिर्फ हमारे साथ जाती है, प्रभु का नाम भी हमारे साथ जाता है, अन्यथा कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाती, इस संसार की वस्तु यहीं पर रह जाती है, जो गुरुदेव हमें हरिनाम देते हैं बस वही हमारे साथ जाता है। तो हमें अपनी कि कौन सी पत्नी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमारी चौथी पत्नी का, क्योंकि सिर्फ वो ही हमारे साथ जाती है, वरना तो कोई सी भी पत्नी हमारे साथ नहीं जाती। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा क्लब त्रिवेश की कृपा से। और तैयार तरुण पढ़ गए आज। ओम अज्ञानति मिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांसी राधा कांत नमस्ते। हे तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ब्रजवाणी सुधा देवी प्रणमामि हरे क्रिय पंच तत्वात्म कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्तावकम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता के पांचवें अध्याय का महात्म्य छोटे से मतलब भगवान श्री कृष्ण ने इसका महात्म्य संक्षिप्त रूप में महात्म्य बताया कि एक पुरुकुश नाम का एक नगर था। उसमें एक पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तो वो ब्राह्मण था जो वो ब्राह्मण एक जो वो जिस मतलब जिस कुल में था वो कुल बहुत ही वेद शास्त्रों से बहुत ही सुशोभित था। मतलब उसके वंशज जितने थे वो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते थे, बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते थे। और उसका जन्म होने के पश्चात उसके जब माता पिता गुजर गए और उसने जो वंश की परंपरा चली आई थी वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, तो उसने वो सब चीज छोड़ गए। वो क्या करने लगा, नाच और गाने बाजा में लग गया, नाच नृत्य करने लगा थी और बाजा वाजा सीख के उसका मन उसमें लग गया और उसने अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन करना सब छोड़ दिया। तो अपने नृत्य कला में वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसे राजा के राजदरबार में स्थान मिल गया। जब उसे राजा के राजदरबार में स्थान मिल गया फिर वहां पर राजदरबार में उसने अपनी सुंदर सुंदर कलाओं के द्वारा बहुत सारी स्त्रियों को अपने वश में कर लिया था। ऐसे करते करते उसके और जो उसका वंश था, वंश का फिर नाम भी बेकार होने लगा था। पहले तो उसके वंश का नाम बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत मतलब प्रसिद्ध था। फिर धीरे धीरे उसने एक अरोड़ा नाम की एक स्त्री से शादी कर ली और जिसने वो उस स्त्री से शादी करी थी वो भी बहुत नीच कुल की थी, बहुत ज्यादा बेकार कुल की स्त्री थी। तो वो भी क्या करती थी, वो उसके साथ रहते रहते वो भी बिल्कुल परेशान हो गई। वो भी जाके मतलब बाहर घूमने की इच्छा करती थी कि मैं बाहर जाऊं, बाहर और ज्यादा मतलब आजादी के साथ रहूं। उसने क्या करा, एक दिन आधी रात में जो पिंगल नाम का जो ब्राह्मण था जो राजा के रहता था, आधी रात में उसने उसकी गर्दन काट दी, उसकी हत्या कर दी और उसे वहीं घर में दबा दिया, मार दिया। कुछ समय पश्चात क्या होता है, उसकी जो पत्नी थी अरुणा उसकी भी एक भयंकर बीमारी के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है और दोनों क्या होते हैं कि यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद उन्हें बहुत सारी घोर नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी घोर यातनाओं के पश्चात जो पिंगल जो होता है, पिंगल को जन्म मिलता है एक डिजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तान क्षेत्र, बहुत ऐसे क्षेत्र में जहाँ निर्जल क्षेत्र होता है, जहाँ पानी वानी कुछ भी नहीं होती, वहां उसे एक गिद्ध का जन्म मिलता है गिद्ध के रूप में। और वहीं पर जो उसकी पत्नी होती है उसे एक सुखा नाम के पक्षी का जन्म मिलता है। तो वो दोनों उसी मतलब रेगिस्तान क्षेत्र में दोनों रहते। तो एक दिन वो उड़ते उड़ते देखता है कि सुखा जो पक्षी होती है उसकी पत्नी थी पिछले जन्म में अरोड़ा नाम की, उसे वो देख लेता है और उसे पिछले जन्म की याद आ जाती है। याद आते ही उसे देख लेता है कि इसने रात में मेरी हत्या करी थी, उसे पहचान लेता है, उसे उठा के उसे पंजों से उसकी मृत्यु कर देता है, मार मार के उसे घायल कर देता है। और जब घायल कर देता है तो जो सुता नाम की पक्षी होती है जब वो जाती होती तो एक मनुष्य की खोपड़ी होती है, वो जल से भरी हुई होती है और वो उसी जल में गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो गिद्ध होता है ऊपर से दोबारा फिर से उसके ऊपर चपटता है, सीधे उसी के ऊपर आता है। जब वो नीचे जब गिरता होता है उसी के ऊपर आने के लिए तब तक बहलिया होता है, बहलिया ने तीर से उसे भी घायल तीर उसे मार देता है। गिद्ध को जब गिद्ध को तीर लग जाता है तो वो भी उसी के ऊपर गिरता है, उसी जल में जाके वो भी गिर जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों की मृत्यु के पश्चात जब दोनों यमदूत आते हैं यमलोक ले जाते हैं। जब यमलोक ले जाने के पश्चात यमदूत उनके पिछले जन्म के कर्मों घोर पाप कर्मों का याद दिलाते हैं और वो अपने पाप कर्मों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत डरने लगते हैं। इसके पश्चात यमराज जो उनसे कहते हैं तुमने इतने सारे बुरे कर्म घोर पाप किए हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे सारे पाप हम क्षमा करते हैं। वो चक्कर में पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा कि हमारे तो क्षमा करने लायक है नहीं। वो यमराज जी के चरणों में गिर जाते हैं, चरणों में गिरकर कहते हैं हे प्रभु मतलब हमने तो इतने ज्यादा घोर पाप किए हैं लेकिन हमें आश्रय और मतलब ऐसा आश्रय होता है कि पाप हमारे
आपने मतलब नष्ट कैसे कर दिए, किस तरह से हमें जो हमारे पाप क्षमा कर दिए। तो फिर वो उनके महात्मा उनके लिए बताते हैं कि तुम जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी, जब तुमने इन्हें घायल किया था, वो उसे पक्षी को जब घायल किया था, तो तुम जिस खोपड़ी में गए थे वो एक गंगा के किनारे एक साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका नाम होता है बट नाम के महात्मा होते हैं, बहुत ज्यादा तपस्वी होते हैं, सुशासन और शांत, बहुत ज्यादा शांत और बहुत ज्यादा तपस्वी राजा होते हैं, सॉरी साधु होते हैं, और उनकी तपस्या इतनी आगे बढ़ जाती है कि तपस्या करते 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 वो जन्म और मृत्यु को सबको मतलब सबसे परे हो जाते हैं, और वो तपस्या करते करते अपने शरीर को अपने प्राण होते वो त्याग देते हैं, और उनकी प्राण त्याग देते हैं। तो जंगल जो बट नाम के जो साधु थे वो जंगल में तपस्या करते थे, उनने प्राण अपने स्वयं त्याग दिए, वो सीधे भगवान के धाम चले गए, तो उनका मेरा शरीर रह गया था, तो मेरा शरीर की ही उनकी वो जो खोपड़ी थी वो उन्हीं महात्मा की थी, जो बट नाम के महात्मा थे। तो उसी खोपड़ी के जन्म, उन्होंने फिर यमराज बता दिया कि उसी खोपड़ी के जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो तुम दोनों उसी खोपड़ी के जन्म में गए थे, और उसी से स्नान करने के पश्चात तुम दोनों के सारे अपराध क्षमा हो गए। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि फिर यमराज उनसे कहता है कि अब तुम अपने इच्छा के अनुसार जिस लोक में जाना चाहते हो उस लोक में तुम बता दो, हम तुम्हें वही स्थान दे देंगे। फिर भी बहुत ज्यादा आश्चर्य करते बढ़ जाते हैं कि मतलब हमने इतने बुरे कर्म किए और फिर भी हमारे इच्छा के अनुसार वो हमें ये लोग जिस लोग में चाहे उसमें भी चले जाते हैं। तो हर कोई ये सोचेगा कि मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन से लोग में जाना चाहेगा, सीधे भगवान के बैकुंठ धाम में, सारे लोग को छोड़कर तो हर कोई वहीं जाएगा। तो वो भी फिर यही कहते हैं कि हमें भगवान के सीधे बैकुंठ धाम में जाना है, और उन्हें अंत में भगवान के बैकुंठ धाम में बधा में ही जगह मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता का जो पांचवा जो अध्याय है उसका जो लगातार जो जब जो जो मतलब उसका पठन पाठन करता है, अध्ययन करता है, जो ध्यान पूरा उसे श्रवण करता है, तो श्रवण करने से कितना भी घोर पापी क्यों ना हो, कितने भी उसने घोर पाप क्यों ना किए हो, अगर उसका पाठ नित्य नियमित रूप से पाठ करेगा जो और श्रवण करेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह भगवान के धाम को प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखो, संतों का जो शरीर है, साधारण व्यक्ति जब शरीर छोड़ देखा उनका खोपड़ी में देखो, तो मृत्यु के बाद में शरीर छोड़ा खोपड़ी में, इसलिए जो वैष्णव का जो शरीर वो साधारण नहीं, जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी जब कोई मर जाते हैं, मरने के बाद क्या करते हैं, जहाँ पर उसको शरीर को गाड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं, शमशान कहते हैं, क्या कहते हैं, हरिबोल, हम उसको शमशान कहते हैं, नीचे से पकड़ के रखो। लेकिन अगर कोई शमशान है तो क्या करता है, स्नान करना पड़ता है, कोई अगर शरीर छोड़ दे उसको साथ में जाए क्या होता है, वहां जाने के बाद तुमको स्नान करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, अपवित्र हो जाता है। लेकिन जब कोई वैष्णव शरीर छोड़ देते है जहाँ पर उनको समाधि देते, उसका शमशान नहीं कहते, समाधि मतलब किया, जहाँ पर बैठ करके अभी भी भगवत ध्यान को कर रहे हैं। वृंदावन गए कौन गए, सब गए, वहां पर राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी का समाधि है, वहां पर कृतपाश में श्री जीव गोस्वामी का समाधि है, श्री दूसरे एक है 64 महात्म का समाधि, लेकिन लोग वहां जाकर क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां पर बैठ कर भजन करते हैं, और वो स्थान में जाने पर अपवित्र नहीं, हम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि संतों की जहाँ पर शरीर को समाधि दिया है। इसलिए जब हरिदास ठाकुर जी शरीर छोड़े, महाप्रभु स्वयं जब कोई शरीर छोड़ दे उसको शरीर को स्पर्श कर क्या करते हैं, नहाते ना, हम स्नान करके आते हैं। लेकिन देखो, जब वैष्णव लोग शरीर छोड़ देते हैं, भगवान स्वयं श्री महाप्रभु उनको गोद में उठा करके लेकर गए और नृत्य कीर्तन करते करते और समुद्र में उनको शरीर को स्नान कराते हैं और क्या कहते हैं, बोले समुद्र क्या है, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ कहाँ पर जाकर मिलते हैं, समुद्र में, समुद्र को
समस्त तीर्थ का पानी समुद्र में होता है, इसलिए समुद्र को महोदधि कहते हैं, हैं? इसलिए समुद्र का पानी पवित्र है। लेकिन श्री महाप्रभु जब श्री हरिदास ठाकुर के शरीर को उसमें स्नान कराया, कहते समुद्र अभी तक तू केवल तीर्थ था, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को स्नान करने का बाद कराने के बाद बोले तीर्थ नहीं रह गया, तुम महातीर्थ हो गया। महाप्रभु कहते तुम महातीर्थ हो गया, तीर्थ नहीं, तीर्थ का भी तीर्थ तू बन गया। क्यों? हरिदास ठाकुर का जो शरीर तुम्हें स्नान किया उन्होंने, इसलिए कहते गंगा पर सहले पश्चात पावन और दर्शन है पवित्र कर यही तुम्हारे को। यदि जब गंगा में स्नान करते हैं पवित्र हो जाते हैं, लेकिन जब केवल हम वैष्णव को दर्शन करते हैं उसमें ही हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव शरीर अपराकृत सदा, वैष्णव का जो शरीर है वो दिव्य अपराकृत। फिर महाप्रभु क्या किया, उन्होंने ला करके अपने हाथों से समाधि दिया और उन्होंने बोले जो इस समाधि में आए और उसमें जो रेती दिया है उसमें जो रेती भी डाले हैं, जो उसमें रेती डाले हैं और महाप्रभु उनके लिए भिक्षा किया, स्वयं भगवान भिक्षा किया आनंद बाजार में और भक्त लोगों को बैठाया और महाप्रभु हाथ तो छोटे हाथ नहीं बड़ा हाथ है और ऐसे चावल ऐसे महाप्रभु भगवान का प्रसाद चावल वो कहता ना पूरा ऐसे करके हाथ उठा करके महाप्रभु हाथ बहुत बड़े बड़े इतने इतने चावल। उन्होंने नवद्वीप परिक्रमा में गए हो देखे हो ना बंगाली भक्त लोग चावल उठाते हैं, देखे कि नहीं इतना था चावल उठा करके कैसे दे रहे थे महाप्रभु। और महाप्रभु लास्ट में बोले जो ये हरिदास ठाकुर की निर्जान शरीर छोड़ने पर जो लोग इसमें आए, जो ये समाधि में अंश ग्रहण किया हैं, जो लोग उसमें केवल लास्ट में जिन्होंने उनको शरीर में समाधि में रेती दिए और इसमें जो प्रसाद सेवा किया है, जो लोग आए इसमें केवल प्रसाद सेवा किया है, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ अचिराते सबको भगवान की भक्ति, सबको भगवान की भक्ति मिलेगा महाप्रभु। इसलिए नियम है जब कोई संतों का जन्म और तिरुभाव होता है अगर इसमें कोई अगर अटेंड करे, कोई आए उनकी कथा सुने ना, भगवान स्वयं कहते हैं उनकी उनको भगवान की भक्ति और उनको भगवान की प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए कोई एक संत थे, जब संत थे शरीर छोड़े वो शरीर को लेकर किसी जंगल में दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार की और वो जंगल में रहते थे भूत, वो जंगल था भूतों का जंगल था, सब भूत रहते थे वहां पर। लेकिन जब उनको शरीर संस्कार दाह संस्कार किया ना, उसका शरीर से जो धुआं निकली केवल केवल धुआं जो निकली वो धुआं पर जंगल जंगल हो गया, जितने भूत थे सबके सब भूत मुक्त हो गए, सबके सब मुक्त सब पाप से मुक्त होकर चले गए। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, बोले क्या, उसी समय में वो जो भूतों का जो परिवार था ना, एक भूत गया हुआ था कहीं बाहर, वो जो बाहर से जब भूत आया था वो यही नहीं परिवार, सब परिवार था ना, बोले भैया मेरे परिवार कहाँ गए, सब सब के सब खाली कैसे हो गए। देखा कोई संत ने शरीर छोड़ा तो वो शरीर को दाह संस्कार से जो धुआं से ही सबके सब उधार हो गए, बोले भैया मैं अकेला रह गया अभी क्या होगा, तो बल से चले गए अब क्या होगा। जहां पर उनको दाह संस्कार किया था ना, जहां पर पड़ा हुआ था उनकी राख पड़ा हुआ था, उसने राख में लौट को उठाने लग गए। संतों का शरीर की राख में तो राख में भी कितने शक्ति है, हैं? बाद जब उसमें लौट को उठाने लग गए ना, फिर क्या हुआ, बाद उसको भी उधार हो गया। इसलिए जैसे वैष्णव का समाधि देते हैं ना, कोई कोई वैष्णव को स शरीर में देते हैं शरीर, लेकिन किस किस वैष्णव का क्या करते हैं, उनको जैसे अंतिम जब संस्कार होता है उनमें जो फूल की माला हो, नहीं तो अंतिम समय में उनको जो थोड़ी सी अस्थि बच जाती है, नहीं तो उनकी जो थोड़ी सी राख बच जाती है, उसको ही ले करके समाधि उनका जो मंदिर बनता है उसको ही नीचे रख करके और उसको ऊपर में उनकी समाधि बना देती है। इसलिए वैष्णव का जो चरित्र, उनका जो शरीर, उनकी कुछ भी वस्तु ही ये पवित्र होता है, ये अत्यंत पवित्र होता है। इसलिए वैष्णव की बड़ी महिमा कहते हैं वैष्णव चिन्हित नारी देवर सरस्वती, कहते हमारी वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भैया हमारी बात छोड़ता हूँ, कहते हम मूढ़ अति दीनहीन हूँ,
वैष्णव चिन्हित नारे देवर शक्ति, जिनको बड़े बड़े देवता लोग भी वैष्णवों को, संतों को बड़े बड़े देवता लोग भी संतों को पहचान नहीं सकते, इसलिए वैष्णव की बड़ी महिमा है। ठीक है बोलो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाराय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कुछ समय पहले चर्चा की थी सुबह के टाइम पे, और काफी लोग तो आते नहीं थे, अभी लोग आ रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले तो ये प्रार्थना है कि आप सब लोग प्रयास करना कि सुबह सुबह मंगल आरती में आना, ताकि हम जो भी ग्रंथ हम शुरू कर सके आप उसका लाभ उठा सके। तो हमने जो मंगल आरती में आएगा तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मंगल आरती में अभी इतना ठंडा है, अभी तो बहुत ठंडा है ना, बहुत ठंडा है, रजाई से निकलने का अच्छा नहीं, सबसे मीठा भी रजाई है, इससे थोड़ा खुश हो। लेकिन जो लोग मंगल आरती में आते बहुत अच्छी बात है, हमारे तीन चार माताएं आती है, ये तीन चार माताएं मंगल आरती। लेकिन अगर मंगल आरती में आ सकते बहुत है, अगर नहीं जो आती है तो बहुत, उनको दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन कम से कम कोशिश करना शाम को थोड़ी समय के लिए मंदिर में आ जाना। ठीक, प्रभुपाद कहते थे जो मठ नहीं, प्रभुपाद कहते थे कभी राधा रानी की निकुंज मंदिर को मैंने उतार करके यहाँ पर लाया, गोलोक वृंदावन की राधा रानी की निकुंज को मैं उतार करके यहाँ पर लाया हूँ। इसलिए देख सकते हो थोड़ी समय यहाँ पर अगर बैठ होगी है, दिन भर मन में तो अशांति, संसार में ये नहीं वो नहीं वो नहीं, ये तन से दुखी मन से दुखी, परिवार से तरह तरह का दिख रहा, घर में रहते हुए सारा दुनिया की चिंता रहती है। लेकिन जब थोड़ी समय भगवान की कथा में बैठे तो देखना उतना समय मन को बड़ी शांति मिलती है। और चित्रगुप्त है ना, वो फोटो ले रहा है, वो ऑटोमेटिक सब ऊपर वो लगा कैमरा लगा हुआ है, चित्रगुप्त है ना, गुप्त रूप में सारे फोटो ले रहे हैं। हम मंदिर में बैठे करके हरी चर्चा और हरी कथा आप लोग को सुने, सारे फटो ऊपर से जा रहा है, सारे को सारे फटो जल रहा है, और ऊपर जो जाओगे ना सारे रील खुलेगा, हमने इतने समय भगवान की कथा आपने सुना था। और यही जो कथा है ये क्या है, जैसे पौधा में पानी देना है, और जो पौधा में पानी देते हैं ना उसका जो लता है ना वो बढ़िया पनपनाते हुए भक्ति लता बढ़ती है। लेकिन जो कथा नहीं सुनते है ना, कुछ दिन बाद में माला माला सब इतने छूट जाती है। बहुत लोग को आधा बड़ो तो माला नहीं होने लगता है गले, लेकिन कितने लोग माला कर रहे हैं, जितने लोग मंदिर में आ रहे हैं उतना लोग ही ठीक से हरिनाम माला तिलक कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो नहीं कर रहे। इसलिए हरिनाम माला ले लेना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है इसको कंटिन्यू भक्ति को कंटिन्यू चलाना ही, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए एक जीवन अगर हम ऐसे थोड़ी सी एक जीवन अपने अगर ऐसे भक्ति किया ना, अगली जीवन में आप सोच नहीं सकते। कहते ना दीन दीन बढ़त सवाय, ये भक्ति कभी घट करके नहीं, भक्ति आपको बढ़ करके भक्ति आपको प्रकट होगी भक्ति। इसलिए भगवान राम कहते अगर भक्ति नहीं करेंगे, इसी जीवन ही मौका मिला जिसमें भगवान की भजन कथा सुन सकते, इसको जीवन में भजन नहीं करेंगे तो इंसान जीवन ही नहीं मिलेगा, कभी भर सार पिटते रह जाओगे जैसे पेड़ खड़ा हुआ, वो भी अभी जीव है लेकिन चाहने पर भी पानी नहीं मांग सकता है। अभी ठंडा सहन कर रहा है कि नहीं कर रहा, गर्मी में सहन कर रहा है, जैसे यहाँ पर गैया है, हैं गैया में ठिठोरती ठिठोरती रहती है, रास्ता में कुत्ते ठिठोरते रहते कि नहीं सबके सब। लेकिन इंसान क्या करता है, कमल ओढ़ करके बढ़िया रजाई ओढ़ करके बढ़िया सोता है ना, सोता है। इसलिए कहते ये जीवन अगर नष्ट हो गया ना फिर ऐसे ही जीवन खड़े मिलेगा, फिर कुत्ते पेड़ पौधा जीवन मिलेगा। भगवान स्वयं कहते बोले सर पिटते रह जाओगे लेकिन इंसान जीवन ठाकुर नहीं देंगे, बोले क्यों, बोले जीवन में तुमने भजन नहीं किया है, वही खाए पिए जानवर जैसे मर गया तो, और तो किसी किया नहीं, जाओ देख लो जीवन में भटकते रहो। इसलिए कोशिश करना शाम को
थोड़ी समय के लिए आधा एक घंटा के लिए मंदिर में आ जाओ, फिर उसके बाद जाओ दिन भर अपना घर की अगर कथा सुन लोगे ना पूरा एनर्जी आ जाती है, भजन करने के लिए आपकी पूरा एनर्जी आ जाती है। ठीक है, कोशिश करना रोज आने की। तो इसी विषय में मैं कुछ कथा करने का प्रयास करता हूँ। एक बार महाप्रभु जी थे, वो ब्रज के भाव में डूब गए। तो जब ब्रज के भाव में डूब गए तो उन्होंने देखा कि उन्हें समुद्र दिखाई दिया। समुद्र उन्हें क्या प्रतीत हो रहा है कि ये क्या है, यमुना है। वो जाके उसमें कूदने लगे और वहां एक चटक पर्वत था, उन्हें क्या दिख रहा है, ये गिरिराज पर्वत है। तो जब उनके महाप्रभु जी के जो पार्षद थे उन सबने महाप्रभु जी को पकड़ लिया और बताया कि महाप्रभु ये क्या है, ये ब्रज नहीं है और ये नदी नहीं है, समुद्र है, ये यमुना जी नहीं है। तो जब महाप्रभु जी को बाहर स्फूर्ति हुई तो सारे के सारे जो महाप्रभु जी के पार्षद थे वो सब उनको लेके बैठ गए। तो वहां पे महाप्रभु जी ने कुछ उपदेश दिए, उनको बोला उपदेश अमृत। तो वहां पे जो रूप गोस्वामी जी थे उन्होंने उनका संकलन किया। तो उसमें से एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम नए साधक हैं और हम सब भक्तों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक श्लोक, उसको बताया उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तना संत्याग सतोवृत्ति षडर्भि भक्ति प्रसिद्धि। ये छह चीजों से भक्ति बढ़ेगी। वो क्या है, सबसे पहले बोले उत्साह। अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं है तो क्या होगा, हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे कि अभी गुरुदेव आते हैं, अभी आप सब लोग उत्साहित हो आ रहे हो, बढ़िया उत्साह आ रहा है। गुरुदेव की जब भागवत होती है लोग उत्साह से आते हैं, बिल्कुल माला में ले जाते हैं, फिर क्या होता है भाई टाइम कहाँ गया, उत्साह पता नहीं कहाँ गया, है ना। तो क्या है, उसको जब तक हम पोषण नहीं देंगे जैसे गुरुदेव बता रहे थे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रूटीन में लाना पड़ेगा, तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा, उसका रस नहीं आएगा। तो बताया उत्साह। तो उत्साह के विषय में एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति जो लंगड़ा था, उसके एक पैर नहीं था, लेकिन उसने निश्चय किया कि मैं क्या करूंगा, बद्रीनाथ जी में दर्शन करने जाऊंगा। तो पहले जमाने में बड़ी दुर्गम यात्राएं होती थी, बड़ी दुर्गम यात्रा, जैसे कि हमने भागवतम में भी सुना हुआ कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हो गया तो जो नंद बाबा थे उन्होंने बोला अब मैं जा रहा हूँ चार धाम यात्रा करने जा रहा हूँ और क्या करना, मेरा पिंडदान कर देना। पहले जमाने में लोग ऐसे बोलते थे कि मैं यार चार धाम यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरा पिंडदान कर देना। क्यों, इतनी दुर्गम यात्रा होती थी, कोई चार धाम कर ही नहीं पाता था, कोई एक दो करके ही वही उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो घर वाले क्या करते थे कि अभी चला गया चार धाम तो इसका मतलब ये वापस नहीं आएगा। तो उस लंगड़े व्यक्ति ने भी क्या करा कि चला गया, बड़े मन में उत्साह था कि नहीं मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करूंगा मैं, और चलता 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 गया, चलता गया, बड़े कष्ट से गिरता, पहाड़ों में चढ़ता हुआ बड़े कष्ट से। जब मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर का पुजारी ना ताला लगा रहा है। अब वो बड़ा परेशान हो गया, अरे पुजारी जी क्या हो गया। तो पुजारी ने कहा भैया आज क्या है, मंदिर बंद हो गया, आज कपाट बंद हो गए। तो उसने कहा कब खुलेंगे, तो उन्हें बोला कि अब ये कपाट खुलेंगे छह महीने बाद अक्षय तृतीया में। तो लंगड़ा होने लगा, अरे पुजारी जी मेरे को कैसे भी किसी प्रकार से दर्शन करा दो बस। तो पुजारी ने कहा भैया तो संभव नहीं है, अब तो हमने भगवान को सहन दे दिया, अब कपाट बंद हो गए, अब तो छह महीने बाद ही खुलेंगे। वो बड़ा रोने लगा, पुजारी से पैर में पड़ गया पुजारी। पुजारी ने कहा भैया मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो हमारा नियम है, तुम लेट हो गए। वो कह रहा मैं तो इतने टाइम से चढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सोच के आया था कि मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करूंगा और बद्रीनाथ जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्राण को क्यों धारण करूं, मैं क्या करता हूँ आत्महत्या कर लेता हूँ। वो व्यक्ति गया एक पहाड़ी में चोटी में और जैसे कूदने वाला था तभी एक व्यक्ति आया हुआ घोड़े में, उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि भैया क्या हो गया, क्यों मर रहे हो। कह रहा है कि मैं देखो इतने कष्ट से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आया था और मुझे दर्शन ही नहीं हुए। और पुजारी बोल रहा है कि अभी छह महीने बाद कपाट खुलेंगे, मैं छह महीने भैया कहाँ रहूं क्या करूं, मैं तो जीवित ही नहीं रहूंगा छह महीने, क्या करूंगा मैं। अरे उन्होंने कहा भैया पुजारी झूठ बोल रहा है, कल सुबह कपाट खुलेंगे, तुम फिक्र मत करो कल सुबह कपाट खुलेंगे। तो लंगड़ा व्यक्ति बोलने लगा कह रहा आप झूठ बोल रहे हो मेरा मन बहलाने के लिए। कह रहा अच्छा अगर मैं झूठ बोलूंगा तो तू कल सुबह के बाद दोबारा मर जाइयो, अगर तुझे दर्शन नहीं है तो कल सुबह मर जाइयो, एक रात की तो बात है। लंगड़े ने कहा हाँ भैया कोई बात नहीं, एक रात की बात है चलो। तो उसने कहा कि अब क्या करें, उसने कहा देखो रात्रि हो गई है, पास में गुफा है, मेरे साथ गुफा में चलो और वहां बैठ के हम क्या करेंगे चौसर खेलते हैं। तो लंगड़े व्यक्ति ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, चौसर खेलते हैं बैठ के, क्या रात्रि तो काटनी है। वो वहां गए गुफा में, उस व्यक्ति ने उसके बाद थोड़ा प्रसाद था उसको प्रसाद दिया लंगड़े व्यक्ति को और उन्होंने प्रसाद पाया। उसके बाद उन्होंने चौसर वौसर खेली, करते करते रात बीत गई। अब सुबह होते ही मंदिर में घंटियां बजने लगी, टन टन टन। देखा उसने कहा देखा मैंने बोला था ना सुबह कपाट खुलेंगे।
लंगड़ा व्यक्ति कह रहा है यार तो सही बोल रहा था, मतलब रात को बेफालतू मरने जा रहे थे तो सुबह तो कपाटी खोल रहे। उसने कहा ठीक है भाई काम करो जाओ दर्शन कर लो। और लंगड़ा व्यक्ति लंगड़ाते लंगड़ाते जब मंदिर के पास पहुंचा उसने देखा वास्तव में सच में मंदिर के कपाट खुल गए और श्रद्धालु लोग भक्त लोग आ रहे दर्शन करने। वो भी क्या बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हो गया बद्रीनाथ जी मुझे दर्शन दे दिए। तभी वही पुजारी दिख गया उसे, उसको पुजारी करके बड़ा गुस्सा है, अरे बड़ा झूठ बोलता है तू, है तू तो रात को बोल रहा था 6 महीने बाद कपाट खुलेगा अक्षय तृतीया में। पुजारी कह रहा भैया कौन हो तुम, कौन हो तुम? कहता कल रात को ही तुम आया था तुमने मुझे भगा दिया। कह रहा रात को? तुम तो मेरे पास 6 महीने पहले आए थे। अरे 6 महीने पहले आए थे? कह रहे हाँ। कह रहा आज अक्षय तृतीया है 6 महीने बाद आए हो तुम? वो लंगड़ा व्यक्ति कह रहे बेवकूफ बना रहे क्या मुझे, रात को तो मेरे को झूठ बोल रहा था अभी भी झूठ बोल रहा है। उसने 2-4 व्यक्तियों से पूछा तो सबने कहा नहीं नहीं भाई साहब आज क्या है अक्षय तृतीया है, अरे 6 महीने बाद कपाट खुले। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसने देखा 8-10 लोगों से पूछा दुकान वालों से पूछा, सब कह रहे भैया हम तो यार 6 महीने पहले अब आ जाए ये तो अक्षय तृतीया है आज। तो बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा क्या हुआ। फिर उसे ध्यान आया कि वास्तव में क्या हुआ, जो रात को उसके साथ आए थे कौन थे, स्वयं बद्रीनाथ जी थे। उसको रात को ही बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गया, बोल बद्री विशाल की जय। रात को ही बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए, देखो उत्साह था उसके अंदर, मंदिर में दर्शन करने से पहले ही साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। उत्साह निश्चय, निश्चय कैसे होना चाहिए कि भैया जैसे हमने सुना ना भगवान श्री राम जब बहुत ही जो भगवान जी के लिए सबरी जी के गुरुदेव ने बोला कि देखो भगवान यहाँ आएंगे, ठीक है प्रभु राम आएंगे, ये नहीं बताया कब आएंगे कि 2022 में आएंगे 23 में आएंगे रात को आएंगे सुबह आएंगे, कुछ नहीं बोला बस प्रभु श्री राम आएंगे। उसने कहा ठीक है, वो भी बड़ी सीधी थी भिलनी, कथा बोल दमगी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो भिलनी ने कहा ठीक है भैया अब मेरे गुरुदेव ने बोला है तो भगवान श्री राम आएंगे। वो रोज सुबह जाती थी क्या करने, पुष्प चयन करने, रोज पुष्पों का मार्ग बनाती, झाड़ू लगाती, पुष्प बिछाती, मीठे मीठे बेर लाती, चुन चुन के उनको देखती कि मीठे खट्टे कैसे उनको रखती। रोज नियम था, कोई अगर राहगीर आ गया ना उसे बोलती है हट जाए से, या प्रभु श्री राम आएंगे हटो फूल खराब मत कर मेरे, सब बोलते हैं अरे बुढ़िया पागल हो गई है रोज बिछाती है ऐसे फूल है, हम तो पता नहीं कितने सालों से देख रहे हैं। लेकिन उसमें निश्चय था कि गुरुदेव ने बोला है तो भगवान श्री राम आएंगे, बिल्कुल निश्चय था उसके अंदर। और हुआ क्या, एक दिन भगवान श्री राम आए। तो ऐसा निश्चय होना चाहिए कि नहीं हम जो माला कर रहे हैं गुरुदेव ने दिए भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है निश्चय होना चाहिए, बिल्कुल निश्चय होकर भजन करना पड़ेगा। उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य कैसा होना चाहिए, बिल्कुल धैर्य। अभी हम लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, गुरुदेव बता रहे हैं ना क्या आधे से ज्यादा हमने बड़ौत को माला दे दी, पर धैर्य नहीं है, अरे 2-4 माला की भैया कुछ ही नहीं हो रहे, तो हो ही नहीं रहा कुछ। हम एक बार एक स्त्री हमारे प्रमुख श्री भक्तिदास नारायण गोसाई महाराज जी के पास गई कि महाराज जी मेरा भजन ही नहीं हो रहा। महाराज जी ने कहा अच्छा भजन नहीं हो रहा, कितनी माला करते हो? महाराज जी मैं 16 ही माला करती हूँ। तो अच्छा 16 ही माला करती हो तो लहसुन प्याज खाते हो? नहीं महाराज जी, हो तो जब मैंने हरिनाम दीक्षा ली थी तभी छोड़ दिया। अच्छा लहसुन प्याज भी छोड़ दिया? तो टीवी भी देखते हो? नहीं महाराज टाइम ही नहीं मिलता, माला कर लेते खाली टाइम मिलता, कथा सुन लेते टाइम ही नहीं मिलता। तो अच्छा रिश्तेदारी में तो जाते होंगे? महाराज जी कहाँ रिश्तेदारी है, सब छोड़ गए रिश्तेदारी। अच्छा तो एकादशी? हाँ महाराज जी एकादशी तो रखी लेती हूँ। महाराज जी ने भैया और क्या लोगे, 16 माला हो गई लहसुन प्याज छोड़ के भगवान का भजन सुन रहे हो कथा कर रहे हो फिर भजन नहीं हो रहा, और क्या चाहिए है ना? वास्तव में भजन हम क्या करेंगे, भजन तो हमारा गुरुदेव करते हैं, ठीक है लेकिन हमें क्या होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। गुरुदेव ने बोल दिया कि 16 माला करनी है तो करनी ही है कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि लेकिन भगवान भी देखते हैं इसके अंदर धैर्य है या नहीं है। एक बार एक भिखारी एक किसी घर में भिक्षा मांगने गया कि माता रोटी दे दो, सूखी रात की घर के में रात की बासी रोटी दे दो। माता ने कहा बासी रोटी नहीं, मतलब बढ़िया बढ़िया पूरी बना के लाने, अभी रुक जा। वो माता गई वहां घर से हमने बढ़िया हलवा पूरी वूरी लाके और गेट पे खड़ी हो गई। और जो भिखारी था ना जब भी आता था बाहर आके ना महामंत्र करता था, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे, वो करता रहता था। अब उसका जो स्त्री का पति था ना उसने देखा कि स्त्री के हाथ में ना हलवा पूरी सब रखा हुआ है, भिखारी वेट कर रहा है बाहर, जो था वो साधु था वो वेट कर रहा है बाहर।
कि कब लेके आएगी मेरे लिए रोटी, कब लेके आएगी, कब भिक्षा देगी मुझे। तो उसका पति ने बोला भैया जाके दे दे, क्यों उसे वेट करा रही है। कह रही मुझे ना इसका भजन बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, जब हरे कृष्ण महामंत्र कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मैंने इसे अभी दे दिए ना ये तो चला जाएगा आगे, ये पड़ोसियों के घर में जाके बोलेगा, है ना, अभी तो दे दिया मैंने इसे, चल पूरी ले लो, ये तो अभी जाके पड़ोसियों के घर में पहुंच जाएगा तो मैं सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है तो मैं इसलिए इसको वेट कराती हूँ। तो उसी तरह भगवान भी है, अभी हम भजन कर रहे हैं ना, ये मैं सोचो कि कुछ नहीं मिल रहा, भगवान देख रहे हैं, हाँ ये देखो बहुत अच्छा भजन कर रहा है, भगवान देख रहे हैं ये देखो माला कर रहा है, इसने मेरे सब कुछ छोड़ दिया। अब सोचेंगे नहीं भैया आज ही मेरे को सब कुछ चाहिए, तो नहीं, धैर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, या फिर सोचे आज ही मैंने माला ले लिया आज ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, नहीं भैया भगवान भी देख रहे हैं ना, तो क्या है धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य, तत्त कर्म परिवर्तनात्, कौन से कर्म करने हैं, देखो भक्त हमें तो कर्म करने ही है, क्या करनी है भक्ति, जो हमारे कर्म है उसको क्या कर देना है भक्ति में जोड़ देना है। गुरुदेव बड़ा अच्छा उदाहरण बताते हैं भक्ति क्या है, बड़ी सरल है, ये मैंने ये कैंची उठाई कर रखी, ये भक्ति होगी, कैसे कोई भी कर्म करो किसके लिए करो, ठाकुर जी के लिए, सुबह उठो घर में झाड़ू लगाओ किसके लिए लगानी है, ठाकुर जी के लिए लगानी है, क्यों किसका घर है ठाकुर जी का घर है, बच्चों को पाल रहे हो किसके पाल रहे हो, किसके बच्चे हैं ठाकुर जी के, रसोई बनानी किसके लिए अपने लिए नहीं ठाकुर जी के लिए, भैया रसोई बनानी ठाकुर जी के लिए, कुछ मार्केट में जाओ अच्छे फल दिख गए किसके लिए ठाकुर जी के लिए, घर की साफ सफाई कुछ कपड़े ला रहे हो अच्छे पहले किसके लिए आओ ठाकुर जी के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा कुछ छोड़ना पड़ा, नौकरी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, बस क्या करना है जो हम कर्म कर रहे हैं उसको किस में जोड़ दे रहे हैं भक्ति में, बड़ा सिंपल बड़ी साधारण है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना कि एक पैर में खड़े हो गए पेड़ में टंग जाना है ये भक्ति हो जाएगी, नहीं है या गुफा में चले जाना है घर बार छोड़ के चले जाना, नहीं किया, बड़ी साधारण है, उसने सारे कर्मों को किस में जोड़ दो भक्ति में, तब तक कर्म परिवर्तना संग त्यागा, भैया कौन सा संग त्यागना है कुसंग, जो अभक्त है ना, अरे भैया कहाँ चले जाते हो तुम मठ में हो, अरे हमारे साथ चलो वहां फिल्म लगी है बढ़िया है, तुम फिल्म ही नहीं देखते, तुम क्या टीवी में देखो सीरियल आ रहे तेरे अच्छे सास बहू के और तुम वहां पहुंच जाते हो, तुम्हें पता उसने उसकी बहू को क्या बोला, तुम्हें कैसे बताओगे तुम टीवी नहीं देखी, भैया देखो तुम तो मैंने कहां चले जाते हो मठ में, ये देखो टीवी में क्या चल रहा है, वो लड़ाई हो गई उसकी उसने उसे गोली मार दी है, हम तो अच्छा कल मैं आऊंगी देखने छोड़ो कथा मठ की, अभी क्या है हमारा असत्संग, असत्संग मजा ना ये मार गिराएगा हमें, अरे कहाँ मठ जा रहे हो तुम, मंदिर में कृष्ण कृष्ण अरे कुछ नहीं होता, हनुमान जी के मंदिर चलो वहां मनोकामना पूर्ण होती है, अरे वो पीर बाबा है ना वो चद्दर चढ़ा दो, चद्दर चढ़ाने सारी मनोकामना पूर्ण होती है, कितने टाइम से जा रहे मठ में, हो गए चार पांच, अरे कुछ मिला नहीं ना, चलिए एक बार चद्दर जान के देखो उसी दिन मिलेगा, ये क्या है असत्संग, मन भटकाएंगे लेकिन भटकना नहीं है, भटकाने वाले 50 लोग आएंगे लेकिन भटकना नहीं है, हमें लगेगा नहीं भैया वो सही है वो सही नहीं, असत्संग इतना बुरा है, एक बार एक व्यक्ति था वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तो धूप हो रही थी बड़ी, एक पक्षी आया क्या बोलते सफेद रंग का बगुला सारस टाइप का बगुला, उसने देखा कि अरे व्यक्ति सो रहा है, उसमें उसको दया आ गई, उसने कहा इसमें छाया हो जाए, वो बगुले ने अपने पंख खोल के बैठ गया पेड़ के ऊपर और उसके ऊपर छाया हो गई, वो व्यक्ति आराम से सोया रहा, तभी क्या हुआ कौवा आ गया उधर, वो कौवा आके पेड़ में आया और उस बगुले के बगल में आके बैठ गया और उसने क्या करा उस व्यक्ति के ऊपर बीट कर दी, बीट कर दी मतलब लेटरिंग कर दी कौवे ने और उड़ गया, अब वो व्यक्ति उठा उसने देखा भैया किस क्या कर दिया मेरे मुंह पे, देखा तो ऊपर कौन था बगुला, उसने तीर वो था शिकारी तीर लिया बगुले के मार दिया बगुला मर गया, बेफालतू मारा गया, क्यों मारा गया असत्संग, एक सेकेंड का उसने असत्संग किया ऐसे व्यक्ति का, जैसे भैया कौवा आया ना उसे उड़ जाना चाहिए था उड़ा नहीं, क्या करा उसके कारण वो मारा गया, उसी तरह हमारी भक्ति है, हम अच्छे भजन कर रहे हैं बढ़िया आ रहे हैं मठ में आ रहे हैं कथा में आ रहे हैं, एक व्यक्ति एक सेकंड के लिए आ गया ना, अरे वहां चलो कुछ नहीं रखा सब ब्रेन वॉश करते हैं बस हो गया सारा सारी भक्ति चौपट एक सेकंड में, अब वो देखो बगुड़ा जो आया था वो तो किस उद्देश्य से आया था, इसको मैं क्या छाया दे दूंगा, उसने कुछ गलत काम किया लेकिन काम करके क्या कोई और मरना किसे पड़ा उसे, उसी तरह हमारी स्थिति हो जाएगी, ठीक है तो बड़ा ध्यान देना है हमें कि भाई हमारी भक्ति कहीं से छीन ना हो जाए, किसी ऐसे असाधु व्यक्ति का हमें संग ना हो, संग त्याग सत्वृत्ति
साधु वृत्ति हमें अपनानी है, भक्ति के जो अनुकूल है वो अपनाना है, प्रतिकूल को त्याग करना है। सतोवृत्ति क्या है हमारा, जैसे हमें क्या करना है, अपनी माला करनी है, साधु संग करना है, संतों की कथा सुननी है, बस यही सब, यही छोटी मोटी चीजें अपनानी है और कुछ नहीं करना। कोई भजन कोई बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है कि सबको छोड़ छाड़ के आ जाना, ठीक है, बस संतों की सेवा करो, अपना हरी कथा करो, धाम में जाओ, अपना मंगल आरती सुनो, कथा मंगल आरती अटेंड करो, कथा सुनो, अपनी माला कर लो और जो करो ठाकुर जी कर लो, कोई बहुत बड़ी बात है? और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यार कहने को तो बहुत कुछ है, हम थोड़ा गुरुदेव की मुखार से सुनेंगे क्योंकि कल शायद गुरुदेव क्या सच वंशा कर वंदे गुरु पद्मं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंद नंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पिछले दो तीन दिन से श्रीमद भागवत के मंगलाचरण के श्लोक श्रवण कर रहे हैं। मंगलाचरण का प्रथम श्लोक वंदना मूलक, द्वितीय श्लोक वस्तु निर्देश मूलक और तृतीय श्लोक है आशीर्वाद मूलक। और इसमें एक सिद्धांत और है, प्रथम श्लोक जो है संबंध मूलक भी है, संबंध अविधेय प्रयोजन तीन तत्व है ना, उसमें प्रथम श्लोक जो है संबंध मूलक है और दूसरा अविधेय और तीसरा है प्रयोजन। तो आज हम तीसरे श्लोक के विषय में श्रवण करेंगे। तीसरा श्लोक है निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत रब संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहर हो रसिका भुवि भावुका। इसका साधारण अर्थ है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये श्रीमद भागवतम जो है क्या है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और ये फल कैसा है, श्री सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकलने पर, मुख से विगलित होने पर क्या हो गया है, दिरव संयुतम अत्यंत ही मधुर हो गया है। और पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका, अतः ये रसिक और भावुक जनों आप क्या करो, इसका पृथ्वी पर रहकर निरंतर पान करते रहो। ये तो इसका साधारण अर्थ हुआ। और हमारे टीकाकारों ने इसका अर्थ जो बताया है उसके विषय में श्रवण करेंगे। तो सबसे पहला शब्द क्या है इसमें, निगम। निगम का शाब्दिक अर्थ होता है वेद। और हमारे टीकाकारों ने बताया कि समस्त सत्ता के जो परम सत्य है, चरम तत्व है, वो इससे प्रकट होते हैं, वो इससे निकलते हैं। वो चरम तत्व कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और बताया ये क्या है, कल्प वृक्ष है, कल्पतरु। निगम कल्पतरु, निगम कल्पतरु गलितम, कल्पतरु बताया। कल्पतरु मतलब एक वृक्ष होता है। तो कल्पतरु वृक्ष कहता हूं कैसा होता है, जो हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है और विभिन्न फलों को प्रदान करता है। यहाँ पर एक कथा आती है, उसके विषय में बताते हैं कि एक राजा शिकार करते करते गहन जंगल में चल गया अंतर और बहुत थक गया। तो उसने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे शरण ली। वो वृक्ष था कल्प वृक्ष। अब वो सोच रहा है मैं शिकार करते करते इतना लंबा आ गया, थक भी गया हूं, अगर मैं अपने राज्य में होता, महल में होता तो क्या होता, मेरी दासियां क्या करती मेरे लिए अनेक प्रकार के रस लेकर गाती जिन्हें मैं पान करता। और उसने इच्छा की ना, वो क्या था, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष था, तो उसने उसकी इच्छा को सुन लिया। उसने क्या किया, तभी वहां पे अप्सराएं तरह तरह के रस लेकर के आ गई और वो देख करके आश्चर्य में पड़ गया। तो उसने वो रस पान किया
उसके बाद फिर सोच गया है कि अगर मैं अपने महल में होता तो मेरी रानी क्या करती, 36 प्रकार के व्यंजन मेरे लिए लेकर के आती, मैं उनका आस्वादन करता। तभी वहां पर 36 प्रकार के व्यंजन खाने के वो सब वहां पर आ गए, वो अप्सराएं लेकर के आ गई, वो भी उसने खा लिया। फिर उसने सोचा अगर मैं अपने महल में होता तो क्या होता, बड़े सुंदर जैसे उसका मखमल का गद्दा होता है उस पर लेटा हुआ होता और बड़ा ही आनंद लेता हुआ होता। तभी वहां मखमल का गद्दे पे और बेड आ गया और उस पर लेट गया। बस ऐसे करके उसकी समस्त इच्छाएं कल्पवृक्ष पूरी करता जा रहा है। अब उसने सोचा कि ये तो जंगल है लेकिन मैं अपने महल में होता तो अलग बात होती, लेकिन ये जंगल है, कहीं शेर आ गया तो क्या होगा। तभी थोड़े वहां पर शेर आ गया। अब शेर आया तो देख करके डर गया, बोला कहीं शेर मुझे खाना जाए। अब जैसे ही उसने सोचा तो तुरंत खा गया शेर। कल्पवृक्ष, ये कैसे कल्पवृक्ष है, ये जड़ कल्पवृक्ष है, परंतु ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कैसा है, ये चिन्मय वृक्ष है, चिन्मय कल्पतरु वृक्ष है। जैसे एक माँ होती है अपने घर, क्या होता है घर में बहुत सारे सिरप वगैरह वो रखे हुए होते हैं, वो कुछ हम चूहे मारने के लिए दवाई ले आते हैं, कुछ वगैरह वगैरह कुछ ले आते हैं। अब वो बच्चे के हाथ में लग जाए जहर की शीशी तो माँ क्या करेगी, छीन करके एक थी कान के बीच के अभी पिलाऊं इसको, है ना। तो ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम है ये हमें ऐसा वैसा फल नहीं देती है, हमारे जिसमें कल्याण हो हमें वैसा ही फल प्रदान करते हैं। ये जो कल्पवृक्ष है हमें वैसा ही फल प्रदान करता है, परंतु जो जड़ीय कल्पवृक्ष है वो हमारे कल्याण के विषय में नहीं सोचता, हमें सारी प्रकार की वस्तु दे देगा लेकिन हमें कल्याण की वस्तु नहीं देगा। अगर हम उससे, जैसे राजा ने क्या सोचा कि शेर आ गया तो मुझे खा जाएगा, तो वैसे ही उसने क्या, शेर आया खा गया उसको, तो उसका कल्याण हुआ उसमें नहीं हुआ। तो ये श्रीमद् भागवतम ऐसा कल्प वृक्ष है। फिर बताते हैं, अब ये वृक्ष है तो इस पर कोई फल तो आता होगा, कोई ऐसा वृक्ष है जिस पर फल नहीं आता, सभी पर आता है फल। वो कैसे, कौन सा फल आता है, वो कौन सा फल है, ये श्रीमद् भागवतम ही इसका फल है कल्प वृक्ष का। और इस भागवतम में क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, आराध्यो भगवान ब्रजे स्तने तन धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेणी अकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परः। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम क्या है, पुराणम अम्लम, ये अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है, ये मल रहित है, निर्मल है, अमल है। और क्या है कि जिस प्रकार आराध्य भगवान प्रजेश, जिस प्रकार गोपियों ने भगवान की आराधना की है, उसी प्रकार हम भगवान की आराधना करें तभी क्या होगा, हमें भगवत प्राप्ति होगी। चैतन्य महाप्रभु का ये मत है, इसमें बताया कि गोपियों का जो प्रेम है, जिस प्रेम से भगवान की वो सेवा करती हैं, वही सर्वश्रेष्ठ फल है इसका। श्रीमद् भागवतम गोपियों का प्रेम है, वही श्रीमद् भागवतम का फल है। फिर आता है कल्पतरु गलितम। गलितम मतलब होता है पका हुआ। ये फल कैसा है, पका हुआ फल है, ये कच्चा नहीं पका हुआ फल है। और इसको किसने ग्रहण किया है, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने। इसमें बताते हैं कि ये वेद जो है, वेदों की सबसे ऊपर की टहनी पे लगा हुआ था ये जो फल था, श्रीमद् भागवतम सबसे ऊपर की टहनी पे लगा हुआ था। वो किसको दिखाई दिया, श्री सुखदेव गोस्वामी जी को। सुखदेव गोस्वामी जी को क्यों दिखाई दिया, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि सुखदेव गोस्वामी जी को क्यों दिखाई दिया, किसी और को क्यों नहीं दिखाई दिया। इसमें बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो गुरु परंपरा में आए हैं, ऐसे नहीं इधर उधर से आ गए, वो गुरु परंपरा से आए हैं। वेदों का जो फल है वो क्या है, वो भगवान है। वो भगवान ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम को श्री ब्रह्मा जी को पान कराया,
और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी को, जो हम सुबह सुबह गाते हैं कृष्ण हई थे चतुर्मुख हरे कृष्ण सेवनुख ब्रह्मा हई थे नारदे रमति, है ना। वही इसमें बताया कि ये गुरु परंपरा से आया है। शास्त्रों में बताते हैं संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्त्र की फला बता अतः कलो भविष्यन्ति चतुवारा संप्रदायिना, कि जो संप्रदाय से बाहर अगर कोई मंत्र ग्रहण कर लेता है तो वो क्या है, वो विफल हो जाता है। और अतः कलो भविष्यन्ति कि कलयुग में चार चतुवारा संप्रदाय ना, चार संप्रदाय, चार वैष्णव संप्रदाय होंगे, जो इनमें मंत्र ग्रहण करेगा वही फल प्रदान करेगा। वही क्या है, वैष्णव संप्रदाय में आए हैं श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हमारा जो संप्रदाय कौन सा है, श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से आया है, तो ये गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो दिखाई दिया ये फल, और फलम गलितम फलम, ये फल कैसा है, पका हुआ फल है। आपने देखा होगा जब फल पक जाता है तभी उसमें जो तोता चोंच मारता है, कच्चे फल में तो चोंच नहीं मारता है, पके हुए में मारता है। और क्या होता है फिर जब उसमें चोंच मार देता है तो उस फल की जो है मधुरता और बढ़ जाती है। तो पहले पका हुआ फल है वो तो मधुर होता ही है, लेकिन जब तोता उसमें चोंच मार देता है तो और मधुर हो जाता है। अब ये जो सुख है, ये पक्षी जो है तोता, ये कौन है, गुरुदेव बताते हैं प्रिया सुख श्री विश्वानुजाया। ये कौन है, श्री विश्वानुजाया। विश्वानुजाया कौन है, श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी का ये प्रिय सुख है जिसके मुख से निकलने के कारण और भी मधुर हो गया है। और अगर कोई और भागवतम कथा करे, भागवतम को श्रवण करे कराए तो इतनी मधुरता नहीं आएगी, लेकिन ये कौन है, श्री राधा रानी का प्रिय सुख, प्रिया जी का सुख है, इसलिए और मधुरता आ गई है। शास्त्रों में बताते हैं ये हमें इस भागवतों को सब इधर उधर नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोदुग्रणम उत्तम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्टम यथापया। इसे अवैष्णव के मुख से श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्टम यथापया। जैसे दूध होता है, दूध क्या होता है, पौष्टिक होता है, हमें बल प्रदान करता है। अगर उसमें सर्प मुख मार दे तो क्या करेगा, अगर हम दूध को पिए तो फिर क्या होगा, सारे बल को खत्म कर देगा, निर्बल बना देगा, निर्बल क्या पूरा स्वाहा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर ये किसी अवैष्णव के मुख से निकले, श्रीमद भागवत में अगर कोई अवैष्णव अपने मुख से इसका वर्णन करे तो वो क्या करेगा, वो विष के समान ही काम करेगा। इसलिए क्या करना, वैष्णव के मुख से ही श्रवण करना है इसको। और बताते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवे स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, बताया। फिर पलम सुकुमारात अमृत द्रव संहितम पिबतम, अगला शब्द आता है पिबतम, क्या करो इसको पियो। अब ये फल है, फल आपने कभी सुना कि फल को पिया जाता है, फल को क्या कहता, क्या कहता है, खाया जाता है, पिया नहीं जाता। परंतु ये ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली है, इसमें क्या है, रस ही रस है, ये ऐसा फल है। अब रस को कैसे पान करते हैं, मुख से पान करते हैं रस को। अब साधारण इस जगत में आप मौसमी का जूस, सेब का जूस, अनार का जूस, किसी का भी जूस ले लो, कैसे पान करोगे मुख से, और मुख से जब पान करेंगे तो क्या होगा, नीचे से निकल जाएगा सब। परंतु ये कैसा रस है, इसको कैसे पान करना है, कानों से, कानों से पान करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे हृदय में रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं, हमारे हृदय में रह जाएगा। अब हमारे हृदय में रह जाएगा तो क्या होगा, उससे हमारा हृदय की शुद्धि होगी। पिबत भागवतम, इसको क्या करना है, कानों से पान करना है। फिर बताया रसम आलयम, ये क्या है, रस का भंडार है, रस का आलयम मतलब भंडार है। और ये कैसा भंडार है, बताते हैं कि
जब तक इसमें डूब ना जाओ। आले मतलब दूसरा अर्थ में बताते हैं, आले मतलब डूब ना जाओ, जब तक क्या करो इसका मुंह रहो, निरंतर इसका पान करते रहो। मुंह रहो मतलब निरंतर पान करते रहो। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में नहाता है तो क्या क्या होता है, लहरें उसको कभी डुबाती हैं, कभी उठाती हैं, कभी डुबाती हैं, कभी उठाती हैं। ऐसे ही एक शराबी क्या करता है, जब तक वो पीता है, पी करके गिरता है, गिर के उठता है, फिर पीता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। ऐसे ही ये रस है, इस रस को क्या करना है, निरंतर पान करना है। जैसे अभी भागवतम, जैसे भागवतम श्रवण करते हैं 7 दिन का, ऐसा नहीं कि वो 7 दिन सुनकर छोड़ दिया, नहीं, उसको क्या करना है, निरंतर पान करना है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज्यादा भी नहीं पी सकते हम कथा को, ज्यादा समय तक नहीं सुन सकते, है ना, तो थोड़ा थोड़ा नित्य प्रति पान करना है, निरंतर पान करना है। और फिर बताते हैं रसिका मुंह रहो रसिका भूमि भावुका, इसका पान कौन करेंगे, रसिक और भावुजन ही पान इसका पान करेंगे, और ऐरा गैरा कोई इसका पान नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो स्वामी है वो कौन है, भगवान है, उनके भक्त इसके अधिकारी हैं, और जो भक्त होते हैं भगवान के, वो रसिक और भावुक ही होते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि रसिक और भावुक जन ही इसका पान करेंगे। कैसे, भूमि, भूमि मतलब एक साधारण अर्थ में होता है पृथ्वी, और दूसरे अर्थ में बताया टीका में भूमि मतलब ब्रज, ब्रज में रह करके, ब्रज में जन्म, जिसमें जन्म जिसका ब्रज में जन्म हुआ है वो इसका क्या करेंगे, निरंतर इसका पान करेंगे ब्रज में रह करके। इस प्रकार इसकी व्याख्या हुई है। और आप वैसे आज गुरुजी ने आज ही मुझे बताया था, ये जितना मेरे स्मरण रहा मैंने आपके सामने इसका वर्णन किया, और बाकी समय मिलेगा तो फिर कभी इसका श्रवण करेंगे। वांछा गुरु के पास हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, हिताय गौर ब्रह्मानंद हरि की जय। अब 2-4 मिनट सुनो ठीक है, इसलिए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो ग्रंथ है समय समय पर प्रभुपाद को उनका भक्तों ने अलग अलग सब प्रश्न किया और उन्होंने जो उत्तर दिया है ये ग्रंथ है। प्रभुपाद कौन है, बोले राधा रानी की नयन मणि मंजरी है, ये गोलोक वृंदावन से है, ये गोलोक वृंदावन से राधा रानी हमारी माँ है, एक तरह से, एक तरह तो स्वामी नहीं है, दूसरे तरफ में हमारी माँ कौन है, जगत का जो माँ कौन है, श्री राधा रानी। अगर माँ की अगर बच्चे दुखी हो, माँ देख करके सुखी रहेगा ना, दुखी रहेगी, भले ही माँ सुखी है लेकिन बच्चे दुखी है, फिर माँ भी देखना वो भी बच्चे को दुखी में दुखी रहती है, वो सुखी नहीं रहती। अगर बच्चे अगर फलते फूलते हो पिता माता देख कर खुश होता, अरे कम से कम बच्चों को हमने होनहार बना दिया, इसलिए बच्चे अगर खुश तो पिता माता भी खुश है, इसलिए हम भगवान की संतान है। अगर हम संसार में दुखी रहेंगे तो इसलिए माँ कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए शास्त्र ने बताया जब जीव भगवान से बिछोड़ते हुए भगवान ने कहा बेटा तू मेरी सेवा कर, मेरी भक्ति कर, मेरा भजन कर, आनंद में रहोगे। हाँ भगवान हमारे पिता है, हम अमृत से पुत्र, अमृत का संतान है, भगवान तो सचिदानंदमय है, सात चीत आनंदमय है, हमारे अंदर में वो भी सात चीत और आनंद स्वरूप है, लेकिन हम संसार में बिलबिला रहे, संसार में तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी 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 वो कर रहे हैं। इसको देख करके जो राधा रानी बड़ी दुखी हो गई, मेरे बच्चे संसार में दुख कष्ट उठा रहे, भगवान बोले देख बेटा तू मेरे नाम ले, मेरे भजन कर, मेरे भक्ति कर, शांति में रहोगे, माया में मत जाया करो, लेकिन हम भगवान की बात नहीं सुने, बोले नहीं हम तो संसार में जाएंगे विषय भोग करके, तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, संसार में हम आ गए और तरह तरह से दुख कष्ट उठा रहे, जो उठा रहे हैं। जैव धर्म में भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं जब जीव भगवान से बिछोड़ करके संसार में चलता है और दुख कष्ट को भोग करता है, भगवान हमारे पीछे 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 भागते रहते, बोले बेटा
एक बार तो मेरे तरफ में झांक कर देख ले, तुम तो मेरे तरफ में देखना ही नहीं चाह रहे हो, हमें भक्ति नहीं करना चाहते, तेरे कल्याण कैसे होगा? इसलिए बेटा एक बार तो मेरे तरफ में झांक करके देख, लेकिन हम भगवान के तरफ में देखना नहीं चाहते, हम तो माया के तरफ में भागते हैं। इसलिए राधा रानी दुखी होकर के, इसलिए उन्होंने श्री प्रभुपाद को भेजा। प्रभुपाद कौन है? मतलब राधा रानी की नयन मणि मंजरी, नयन मतलब आंखें, मणि मतलब आंखों में जो पुतला है ना, ये राधा रानी के आंखों की जो पुतला ही ये प्रभुपाद रूप में जगत में आए और सर्वत्र उन्होंने हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार किया, जगत में हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार किया। हम जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं भजन करने के लिए, गले में कंठी माला तिलक, ये प्रभुपाद का आशीर्वाद, ये महापुरुष नहीं होते है ना, इसलिए गुरु जी कहते थे ये पृथ्वी अभी नहीं रहता, देखना हर देश आटम बम बना कर बैठा हुआ एक दूसरे को ऊपर अटैक करने के लिए, इंडिया चाइना, चाइना इंडिया, पाकिस्तान इंडिया और रसिया, अमेरिका अमेरिका रसिया, सब एटम बम बना कर रखे। अगर 25% एटम बम गिरेगा ना सब दुनिया ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन तब तक गिरेगा नहीं जब तक भजन करेंगे भक्ति करेंगे, गिरेगा नहीं है। इसलिए कहते अगर ये महापुरुष अगर नहीं होते तो भक्ति कोई नहीं करता, भजन नहीं करता ना, बस बुद्धि में तो वही बैठे ना, कहते ना उसके इच्छा के बगैर की पता भी नहीं लिखा है, बोलते हैं ना। इसलिए जब तक आप भजन करेंगे भक्ति करेंगे आटम बम गिरने वाले नहीं है, लेकिन जब भजन करेंगे नहीं फिर तो आटम बम गिरेगा, छोड़िएगा नहीं। इसलिए क्या करो, हर समय भगवान की भजन करो। इसलिए राधा रानी की जो नयन मणि मंजरी ही ये प्रभुपाद रूप में जगत में आए और आकर के जगत में हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार किया। अलग अलग समय पर भक्तों ने उनको अलग अलग प्रश्न की, आज हम एक प्रश्न का उत्तर सुनते हैं। तब उनको किसने प्रश्न किया, बोले प्रभु मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? कर्तव्य तो हमारे बहुत है, पति का प्रति कर्तव्य, पत्नी का प्रति कर्तव्य, बच्चों का प्रति कर्तव्य, संसार कर्तव्य, हमारी कर्तव्य तो बहुत है, लेकिन इनका प्रश्न है मनुष्य का जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, कौन सा कर्तव्य सर्वप्रथम हमें करनी चाहिए ये मनुष्य जन्म का। तब उसका उत्तर में प्रभुपाद कहते हैं कि दो तरह का विचार है, कहते हैं कि प्रेय और एक श्रेय। कहते प्रेय और श्रेय मतलब क्या है, मतलब प्रेय मतलब होता है जो थोड़ी समय के लिए सुख रूप में दिखता है, जैसे होता ना जिस रेगिस्तान में आप देखना दूर से तो बहुत गर्मी होता है, पानी 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 जैसे दिखता है, दूर से रेगिस्तान में पानी पानी दिखता है, लेकिन वो पानी नहीं, वो ज्यादा गर्मी की वजह से दिख रहा है लेकिन पानी पानी दिखता है। हिरण क्या करता है, वो सोचता है ज्यादा पानी है, वो जितना भागता है प्यास तुम्हारे पास में जाए ना, देखो वहां पानी नहीं और दूर है, और थोड़ी पास में जाए और दूर, और करते 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 लास्ट में अपना प्राण को त्याग दे देता है। कहते ये संसार भी ठीक है रेगिस्तान है, हमको क्या लगता है शायद संसार में बड़ा आनंद है, संसार में बड़े सुख है हमको लगता है। उदाहरण दिया जैसे खुजली है ना, वो खुजलाने के लिए तो थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो खून निकलता है ना फिर तो दर्द होता है। ये संसार ऊपर से क्या दिखता है, हरी भरी बड़ी सुंदर दिखता है जैसे सोने की घड़ा, लेकिन उसमें अंदर में हाथ डालो ना और जहर के सिवाय और उसमें कुछ है ही नहीं, केवल जहर जहर है बस, कुछ में है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रेय और एक श्रेय। प्रेय मतलब होता है जो थोड़ी समय के लिए सुख लगता है लेकिन वो अत्यंत दुखदायी है, अत्यंत दुख जाए, जैसे जैसे एलोपैथिक दवा है ना, मुंह में तो कड़वा लगता है लेकिन अंदर में जाएगा तो अच्छा है, जैसे नीम पत्ता खाओ कैसे लगता है, कड़वी लगती है लेकिन पेट में जाएगा तो अच्छा है। इसलिए प्रेय कहते हैं उसको जो कि ऊपर लगता है अच्छा लगता है लेकिन भविष्य में वो दुख है। और एक होता है श्रेय। श्रेय मतलब होता है लगता है पहले जैसे दुख है लेकिन बाद में बड़ा आनंद है, जैसे आप लोग कथा में आते हो इस समय में घर में तो रजाई बोलकर बैठे हुए है ना, रजाई बोलकर गरम गरम ग्रह का प्रसाद पाते हो, लेकिन अभी मंदिर में बैठे हो, हरि नाम कर रहे हो, फिर मंगल आरती में आते हो घर का, लेकिन ये क्या दिखता है जैसे हरि नाम करते हो तिलक लगाए तो बस, ये लगता है जैसे दुख है लेकिन आप सोच नहीं सकते इसका जो आनंद जो मिलेगा। इसलिए हमारे विश्वनाथ ठाकुर कहते जो साधन है अभी तो हम लग रहा है थोड़ी सी कष्ट है,
कष्ट है, लेकिन एक जीवन में अगर ऐसे भगवान के साधन, एक जीवन अगर किसी तरह से भगवान की भक्ति साधन करके बिता दिया ना, जन्म जन्मांतर के जितने तुम्हारे दुख कष्ट है चिरकाल के लिए खत्म। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तत्प्रसादात परम शांति, परम शांति परम भगवान के चरणों को प्राप्त होगा। अगर एक जीवन में थोड़ी सी अगर भगवान की भजन कष्ट से कर लिया तो बड़ा पार है। इसलिए कहते हैं एक श्रेय है एक प्रेय है, श्रेय और अनुसंधान ही प्रयोजन है। फिर हम क्या करनी चाहिए, प्रेय करनी चाहिए ना श्रेय करनी चाहिए, श्रेय कर प्रेय घर में बैठे बैठे करके, अरे हमका हीरो का आज पिक्चर आ गया है, एहसास हो कि लड़ाई चली जाए, बता रहे थे ना प्रभु जी, मेरे को इतना देखते नहीं टीवी, हमको बता नहीं क्या क्या था, आपको पता होगा क्या क्या सीरियल लगा, वो प्रेय है देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो भविष्य का फल क्या है, फल इसकी अच्छी नहीं। लेकिन जो भजन है लगता है कष्ट है, तिल लगाओ कट्टेदार में करो, प्याज लहसुन मत खाओ, अरे जहाँ जाओ कतरा शादी विवाह में जाएगी तो क्या करेंगे, चकमाल सब खाते हैं, हम देखते रहते हैं, मुंह देखते रह जाते हैं, ये लगता है जैसे ये कष्ट है, लेकिन इसका जो फल है ना, ये विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, जब जीव गोलोक वृंदावन ठाकुर के पास में जाता है ना, ठाकुर जी सब चीज याद दिलाते, देख बेटा तो ये मत समझो मैं कुछ नहीं देख रहा, तेरे पीछे खड़े होकर के सारे चीज को मैं देख रहा था, भगवान बुद्ध कहते हैं एक एक चीज को तेरे पीछे से देख रहा था, तू कर रहे हो क्या। एक भक्त कैसे दुनिया की लाज अपमान सब छोड़कर गला में कंठी तिलक धारण करता है, शादी विवाह में सब नाच गान सब छकाचक खा रहे, भक्त मुंह मार करके दही भल्ला खा करके टिकिया खा करके पेट भर लेगा, प्याज लहसुन नहीं खाता है, उल्टा सीधा भगवान कह रहे हैं मैं देख रहा था तेरे पीछे तू खड़े होकर क्या कर रहे, तो मेरे लिए कितने त्याग दी तभी तो एक दिन तुम मेरे पास में आए, सारे चीज ठाकुर याद देते, बोले सब चीज को मैं देखता रहता हूँ है। इसलिए यहाँ कहते देखा हमें क्या हमें ग्रहण करनी चाहिए, बोले प्रेय नहीं हमें श्रेय अनुसंधान का है, प्रेय अति दुर्लभ किंतु श्रेय सहज लगन है। क्या कहते देखो, जो प्रेय है वो आसानी से मिल जाती है, मतलब जो थोड़ी समय के लिए सुख जैसे लगती है, लेकिन जो श्रेय है जो आनंद जो प्राप्त करने पर चिरकाल के लिए कहते अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है प्रेय है, इसमें लोगों का रुचि होना बड़ा कठिन है लोगों का। श्रेय आत्मर प्रेय अच्छे, लेकिन जो श्रेय में क्या होता है, जो आपातकालीन जो लगता है कष्ट, लेकिन उसमें किसमें कल्याण, किसका इसमें आत्मा कल्याण, इसमें ठाकुर ही संतुष्ट होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, लेकिन किंतु बहिर्मुख मानस की प्रेय प्रेय आत्मर श्रेय नहीं। लेकिन जो बहिर्मुख जो जीव जो काम करते हैं, उल्टा पुल्टा संगत में घूमना, इधर उधर दारू सिगरेट पी फूंक करके गंदी गंदी चीज को देखना, कभी ये जीव का इसमें कल्याण नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत बोल छे अनेक जन्म पर मनुष्य जान लाभ हो छे, कभी जो मानव शरीर है 84,00,000 ब्रह्म के ये नरतनु दही, 84,00,000 जन्म के बाद में केवल एक बार तुम्हें चांस मिला है, अगर एक बार अगर चूक गया मानव शरीर से ये जीवन तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। बोले देत ईस बिनो हेतु सनाहि, कैसे तुमको बाईचांस मिल गया। अब साइंस अगर पढ़ते होंगे ना, देखना जब पति पत्नी का मिलन होता है, एक जो बिंदु या बीर्य है उसमें बताते हैं लाख लाख करोड़ों करोड़ों जीव एक बिंदु बीर्य में विद्यमान है, कहते इनके अंदर में लड़ाई होती है, लड़ाई होते 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 लाख लाख जीव खत्म हो जाती है, और कैसे एक केवल एक जीव केवल उसे बच जाती है, वो जीव हम ही है, वो जीव हम है, करोड़ों करोड़ों जीव एक बीर्यम एक बिंदु बीर्यम होता है, एक जीव इसमें बच जाती है किस तरह से। इसलिए भगवान कहते देत ईस बिनु हेतु सनेहि, ये जो भगवान जीवन दिया ये मत समझो हमने बहुत बढ़िया कर्म किया मिल गया, बोले बाई चांस कैसे तुमको मिल गया। हाँ, भगवान बुद्ध कहते बाई चांस एक ग्लास पानी लो, इतने बैक्टीरिया इसको अंदर में, पृथ्वी में इतने जीव भी नहीं, पृथ्वी में इतने इंसान भी नहीं, कहते पार्थिव गजब तब, जैसे धूल कणा को गिन नहीं सकते हो, जैसे बारिश का बूंद को गिन नहीं सकते हो, जीव को भी गिन नहीं सकते, बड़े सौभाग्यवान जीव आकर के भगवत भक्ति में, कहते ब्रह्मांड भ्रमित तो कौन भाग्यवान जीव, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को, संतों का संग, अब जो बैठे करे भजन कथा सुन लो किसी सौभाग्यवान को।
इसलिए प्रभुपाद कहते भैया ये जन्म अनित्य किंतु परमार्थ प्रद है, तो नश्वर नष्ट होने वाले, लेकिन इसी शरीर से तुम भगवान को तुम प्राप्त कर सकते हो। इसलिए स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक शरणागति हुए निष्कपट भजन कर ले, यही जन्म में भगवत प्राप्ति होते पारे। कहते हैं अगर इसी जीवन में निष्कपट होकर के गुरु वैष्णव ठाकुर की चरण में अगर शरणागत होकर के अगर इसी जीवन में प्रभु का भजन करोगे तुम्हारी बेड़ा पार, बेड़ा तुम्हारी पार, बस ठाकुर के पास चल जाओ, अपना घर में व्यास गार्ड है, अपना घर में असली घर में पहुंच जाओगे, जहां जन्म रोग दुख कष्ट जरा व्याधि जन्म कुछ नहीं, जहां पर आनंद आनंद ही है। इसलिए प्रभुपाद कहते क्या करो, अतएव जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है इसी जीवन पा करके, धीर व्यक्ति मृत्यु पूर्व तक मरने से पहले तक क्या करो, क्षण मात्र समय को नष्ट नहीं करते हुए क्या करो, चरम कल्याण लाभ जन जत्न करे, इसलिए जीवन को नष्ट नहीं करके हरिनाम करो, भजन करो, हाथ में सेवा करो और मुंह में भगवान का नाम, हाथ में जो कुछ कर ठाकुर की सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर जी का नाम और अपना संख्या माला करो। इसलिए कहते आहार विहार विषय सकल जन्म में पाया जाए किंतु परमार्थ अन्य जन्म लाभ न, खाना पीना सोना ये कुत्ते गधे पेड़ पौधा भी करते है, लेकिन भगवान की भजन इसी जीवन के बगैर होगा नहीं। कहते जीवन को नष्ट नहीं करते हुए भगवान के भजन में एक जीवन को लगा दो, बस तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। इसलिए भगवान का भजन करो और रोज मंदिर में आनो, कथा सुनो और भगवान की भक्ति करो, ठीक है। बच्चा करो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे Yeah.